हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है IMED, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों का, ठीक है। तो इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, सिंगल ओनरशिप क्या होता है, इसको समझाइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिंगल ओनरशिप होता है उसको कई नाम से जाना जाता है, कई नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला आपका पूछा जा सकता है इंडिविजुअल प्रोप्रेटरशिप, सोल ओनरशिप भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंगल ओनरशिप को सोल ओनरशिप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सिंगल ओनरशिप होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपके इस वीडियो लेक्चर में बताई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है सिंगल ओनरशिप के बारे में लिखने के लिए, तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना होगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना व सरलतम तरीका है, ठीक है। सिंगल जो ओनरशिप होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना और सरलतम क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें एक ही उद्यमी समस्त पूंजी की आपूर्ति करता है, ठीक है। जितने भी कैपिटल्स जो पूंजी लगाए जाते हैं कंपनीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, वो केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल ओनरशिप, इसमें जो एक ही जो व्यक्ति होगा वो सारे कैपिटल को, सारे पूंजी को लगाएगा, उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा सारा चीज वही सहन करेगा जो व्यक्ति कैपिटल को लगाया है, जो पूंजी लगाया है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, वह स्वयं ही उद्योग को संगठित व संबंधित करता है, ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट का चीज होता है वो सारे चीज कौन देखता है, वही व्यक्ति देखता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खोलता है या उसका जो सर्वे सर्वा होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, ठीक है। तो वही मेन होता है, एक ही आदमी इसमें मेन होता है, एक ही व्यक्ति इसमें पूंजी लगाता है सिंगल ओनरशिप में। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक ही व्यक्ति समस्त जोखिम उठाता है और उस उद्योग से संबंधित समस्त अधिकार व जिम्मेदारियां उसी एक व्यक्ति के पास होती है, ठीक है। सिंगल ओनरशिप में क्या होगा, जितने भी आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उस कौन उठाएगा, वही ओनरशिप उठाएगा, वही ओनर उठाएगा, ठीक है। और जो भी आपके जोखिम उठाता है वो कौन उठाएगा, वही ओनर उठाएगा जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन खोला है, ठीक है। जो सिंगल ओनरशिप जो खोला है, सिंगल ओनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खोला है, समस्त जोखिम वही उठाता है और उसका जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसी एक व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, वह आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी की नियुक्ति भी कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं छोटी कंपनी खोला कोई व्यक्ति, बढ़ते 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 ज्यादा टर्नओवर हो गया, तो जॉब भी वैकेंसीज भी उसमें दे सकता है और कई सारे लोग को, कई सारे वर्कर्स, कई सारे कर्मचारी भी उसे अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, उद्योग में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वह उसी व्यक्ति के होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनीज है, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर जो लॉसेस हो रहे हैं, सारी चीजों का जो वहन होगा कौन करेगा, वही सिंगल ओनरशिप करेगा, जिसकी कंपनी है, जिसके द्वारा कंपनी को इम्प्लीमेंट किया गया है, कंपनी को बनाया गया है, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज सिंगल ओनरशिप के बारे में। इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप एग्जाम में भी सिंगल ओनरशिप अगर आ जाता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप और अच्छे से कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एडवांटेज में क्या लिखेंगे, लाभ में क्या लिखेंगे, सिंपल एंड इजी। जो सिंगल ओनरशिप होता है वो सिंपल होता है, इजी होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में है सारा चीज करने का, सारा डिसीजन एक ही व्यक्ति लेता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जो सिंगल ओनरशिप है उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। एक और इसका एडवांटेज है स्मॉल कैपिटल। जो सिंगल ओनरशिप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, एक स्मॉल कंपनी खोलता है, जिसमें जो जो कैपिटल लगता है, जो पूंजी लगता है, ठीक है, वो क्या लगता है, कम लगता है, स्मॉल लगता है।
अगला पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्शन, और जब कैपिटल कम लगेगा, जब छोटी कंपनी होगी तो जो इसकी क्वालिटी होगी प्रोडक्शन की वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगला जो इसका एडवांटेज है क्या है, इंसेंटिव, तो जितने भी इसके वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव दे सकता है। अगला पॉइंट है आपका क्यूक डिसीजन, क्योंकि इसमें सिंगल जो ओनरशिप में जो होगा सारा का सारा चीज एक ही व्यक्ति के ऊपर होगा, ठीक है, तो डिसीजन लेने में देरी नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कंपनी में कई सारे लोगों का अगर ओनरशिप है, ठीक है, कई सारे लोगों का पार्टनरशिप है एक ही कंपनी में, तो कहे एक आदमी कहेगा हाँ इस काम को करना है, दूसरा कहेगा नहीं करना है, तो उसी इसलिए काम लटक जाएगा जो भी काम करना है। लेकिन अगर सिंगल ओनरशिप है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा डिसीजन लेना है, उस काम को करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जो क्यों डिसीजन वो ले लेगा, इस काम को करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जो भी डिसीजन होता है, जो भी निर्णय होता है सिंगल ओनरशिप में, वो बहुत तेजी से लिया जाता है। अगला जो एडवांटेज है सिंगल ओनरशिप का वो है बेटर लेबर रिलेशनशिप, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बेटर होता है, और इसमें सेक्रेसी भी होता है, ठीक है। ये सारे आपके एडवांटेज हैं, लाभ है किसके, सिंगल ओनरशिप के। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इनमें कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो जो सिंगल ओनरशिप है उसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है। इसमें जो पूंजी लगाई जाती है वो लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगला जो लिमिटेशंस है, अनलिमिटेड जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। जो भी आपका एक ओनरशिप है, एक ओनर है, उसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियां होती है, अनलिमिटेड जिम्मेदारियां उसी एक व्यक्ति के ऊपर होती है, ये भी आपका लिमिटेशन ही है। अगला जो लिमिटेशन है, पर्सनल लिमिटेशंस, उस व्यक्ति के पास भी पर्सनल लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। उस व्यक्ति का जो सिंगल ओनर है उसके पास भी पर्सनल लाइफ होगा, तो सारी जिम्मेदारियां उसी के पास होंगी, तो पर्सनल लाइफ कैसे जी पाएगा, तो पर्सनल लिमिटेशंस भी उसके पास होगा। अगला लिमिटेशन है शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट लाइफ भी हो जाता है उस ओनर का। अगला पॉइंट है स्मॉल इनकम, जब छोटी कंपनी होगी सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा अगर कंपनी, तो क्या होगा कि जो आपकी इनकम है वो भी कम होगी, क्योंकि कंपनी छोटी है तो इनकम भी कम होगी। अगला जो लिमिटेशंस है वो है कंपटीशन विथ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेसमैन है, उनसे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा स्मॉल में, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती जा रही हैं, वहीं अगर छोटी कंपनियां हैं तो छोटी छोटी मशीनें हैं, कम प्रोडक्शन कर रही हैं, तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हैं सिंगल ओनरशिप के, ठीक है। कि इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे आपके कुटीर उद्योग है, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उसमें आपके सिंगल ओनरशिप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे व्यवहारिक बिजनेस शॉप हो गया, व्यवहारिक दुकान हो गया, इसमें आपका है। कृषि के क्षेत्र में भी सिंगल ओनरशिप होता है, और प्रोफेशनल सेवाएं भी होती है सिंगल ओनरशिप में, और लघु स्तरीय व्यापार भी होता है, ठीक है। बड़े लेवल पे जो व्यापार किए जाते हैं वो भी आपके सिंगल ओनरशिप के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सिंगल ओनरशिप क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आ जाता है लिखने के लिए सिंगल ओनरशिप के बारे में या फिर सोल ओनरशिप के बारे में, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।